नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंक्रीट वाटरप्रूफिंग के बारे में। जो कंक्रीट सरफेस होता है उसके ऊपर हमें वाटरप्रूफिंग प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके टाइप्स देखेंगे, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाटरप्रूफिंग क्या होता है और वाटरप्रूफिंग हम किस कंडीशंस में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो कंक्रीट का सरफेस होता है उसको समझ लीजिए। कंक्रीट का जो सरफेस होता है वो पोरस होता है। ठीक है, कंक्रीट सरफेस पोरस होता है, परवियस होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसमें इजीली जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो पेनिट्रेट होता है। ठीक है, जिसके वजह से आगे चलकर उस कंक्रीट में आपको अलग तरह के क्रैक्स और फेल्योर्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें उस सरफेस के ऊपर, कंक्रीट सरफेस के ऊपर, एक इम्परवियस मटेरियल की लेयर अप्लाई करनी है, जिसको हम वाटर प्रूफिंग बोलते हैं। और इससे क्या होगा कि पेनिट्रेशन को आप प्रिवेंट करेंगे और वो स्ट्रक्चर भी पोरस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होता है वाटर प्रूफिंग में। तो ये है वाटर प्रूफिंग की कंसेप्ट कि वाटर प्रूफिंग में हम एक इम्परवियस मटेरियल की लेयर अप्लाई करते हैं कंक्रीट सरफेस के ऊपर, क्योंकि कंक्रीट जो सरफेस होता है वो पोरस होता है और परवियस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर प्रूफिंग की टाइप से वो कवर करने वाले हैं, मतलब किस तरह का मटेरियल हम कंक्रीट सरफेस के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइप है सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग। अब देखो सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग एक बहुत ही सिंपल मेथड है और नॉर्मली आपको कहीं पर भी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको ये दिख जाएगी। यहाँ पर जो वेट एरियाज होते हैं उन वेट एरियाज में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेट एरियाज मतलब ज़्यादातर टाइम वहाँ पर पानी देखने को मिलता है, जैसे कि टॉयलेट्स है, बाथरूम्स है, वहाँ पर इस तरह की वाटर प्रूफिंग को, सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग को हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल इजी मेथड है, जिसमें जो मटेरियल्स हम यूज़ करने वाले हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हर जगह पर। और ये जो वाटर प्रूफिंग होती है, इसके बारे में और एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि टॉयलेट्स और बाथरूम में हम इसको यूज़ करते हैं, और ये जो बिल्डिंग के इंटरनल एरियाज़ होते हैं। ठीक है, और इंटरनल एरियाज़ में क्या होता है कि वहाँ पर सनलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा वेदर के साथ। तो यहाँ पर जो कंक्रीट का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है वो वहाँ पर नहीं होने वाला, कंक्रीट का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस वहाँ पर नहीं होने वाला अगर हम सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंटरनल एरियाज में। ये हो गया सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग के बारे में। अब नेक्स्ट टाइप हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर उससे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर एक टॉयलेट का एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के ऊपर किस तरह से वाटर प्रूफिंग को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग को प्रोवाइड किया है। इसके बाद में इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, वो है लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन। लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है कि दो तरह के लेयर्स हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम प्राइम कोट को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में टू लेयर्स हम लिक्विड वाटर प्रूफिंग की प्रोवाइड करते हैं। और इसको किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, बाय यूजिंग द रोलर्स और बाय यूजिंग द स्प्रे हम सरफेस के ऊपर इस वाटर प्रूफिंग को प्रोवाइड करते हैं, इस वाटर प्रूफिंग को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है कंपेयर टू द सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग। ठीक है, सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग, और इसमें जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कैसे मिलेगी, मतलब जो वाटर प्रूफिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ये डिपेंड करती है जो टाइप ऑफ पॉलीमर उसमें यूज़ किया है। मतलब जो लिक्विड वाटर प्रूफिंग हम यूज़ करने वाले हैं उसको बनाते वक्त जो पॉलीमर्स, जिस तरह के पॉलीमर्स को उसमें ऐड किया गया है, उस पॉलीमर से ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ पॉलीमर, उसकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप देखेंगे, उससे पहले ये वाला एग्जांपल देखिए। यहाँ पर रोलर की हेल्प से वाटर प्रूफिंग को प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये भी आपको साइट के ऊपर नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर भी आपको ये जो टाइप है वाटर प्रूफिंग की वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इम्परवियस मटेरियल होता है।
अब उसके बाद में नेक्स्ट वाटरप्रूफिंग का टाइप देखेंगे, वो है बिटुमिनस कोटिंग। मतलब यहाँ पर नाम से आपको समझ जाएंगे आप कि बिटुमिनस मतलब असफाल्ट जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं कंक्रीट सरफेस के ऊपर, ठीक है। और ये बिटुमिनस कोटिंग जो होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है कंपेरेटिवली अदर वाटर प्रूफिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग है वो हम जो कंक्रीट फाउंडेशंस होते हैं, ठीक है, फाउंडेशंस होते हैं कंक्रीट के, उसके ऊपर इसको हम प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि ये वाटर प्रूफिंग का जो टाइप है अगर सनलाइट के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये सुटेबल नहीं है अगर सनलाइट उस सरफेस के ऊपर ज़्यादा आ रही है तो, ठीक है। इस तरह की जो वाटर प्रूफिंग होती है वो वहाँ पर सुटेबल नहीं है, जिससे क्या होगा कि उसकी जो लाइफ है सरफेस की, उस स्ट्रक्चर की, वो रिड्यूस हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं कि इस टोटल सरफेस के ऊपर किस तरह से हमने इस बिटुमिनस को अप्लाई किया है फॉर द वाटर प्रूफिंग पर्पज़, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, वो है एडमिक्सचर्स। मतलब कि कंक्रीट को बनाते वक्त ही हम कुछ ऐसे एडमिक्सचर्स डालेंगे जिससे क्या होगा कि कंक्रीट है वो परवियस नहीं रहेगा, इम्परवियस बन जाएगा, मतलब पोरोसिटी वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये नॉर्मली लास्ट डिकेड्स में सब जगह पर अब यूज़ करने लगे हैं। इस एडमिक्सचर्स टाइप को हम क्या करते हैं बैचिंग प्लांट्स में दे देते हैं, मतलब कंक्रीट बनते वक्त ही उसमें वो एडमिक्सचर्स डाल देते हैं जो केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं, और वो उसको रिएक्ट उसके साथ रिएक्ट करके एक ऐसा कंक्रीट मिक्सचर हमें देता है मिलता है कि वहाँ पर जो पोरोसिटी है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर वाटर प्रूफिंग हमें करना है तो, ठीक है। ये चार टाइप थे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले थे, एडमिक्सचर वाली, लिक्विड वाली, सीमेंटेशियस वाली और बिटुमिनस वाली। और कंसेप्ट तो आपने देख ली कि वाटर प्रूफिंग क्या होता है, किस जगह पर प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे वाटर प्रूफिंग के एडवांटेजेस आपको कौन कौन से मिलेंगे। बहुत ही नॉर्मल से एडवांटेजेस है, जैसे कि वाटर एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा, बाद में जो क्रैक्स डेवलप होने वाले हैं सरफेस के ऊपर उसको ये प्रिवेंट करेगा, बाद में जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसको ये उसकी जो लाइफ स्पैन हुए उसको ये इंक्रीज कर लेगा, बिल्डिंग में जो डंपनेस प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसको ये प्रिवेंट करेगा, साथ ही में जो सीलिंग और वॉल्स होते हैं बारिश के एरिया में जो सीपेज की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, साथ ही में जो मेंटेनेंस क्लॉस है जिसको रिड्यूस करता है, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विल बी रिड्यूस बिकॉज कि सीपेज की प्रॉब्लम नहीं है, डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं है, तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी आपको मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। साथ ही में देखो मेंटेनेंस का कॉस्ट कम हो गया और इसमें सीपेज की प्रॉब्लम नहीं है, डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं है, वाटर एब्जॉर्प्शन रिड्यूस है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टी की है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में सेलिंग के लिए, ठीक है। ये भी एक एडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद में कुछ डिसएडवांटेजेस, तो नॉर्मल डिसएडवांटेज जैसे कि बिटुमिनस को अगर आप यूज़ करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए तो जो समर एरिया समर सीजन होता है उसमें ड्यू टू द हीट वहाँ पर जो बिटुमिनस है वो सॉफ्ट हो सकता है, और वो सॉफ्ट होने के बाद आपको वहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, और इसकी जो लाइफ है स्ट्रक्चर की सरफेस के ऊपर जहाँ पर हमने अप्लाई किया है उसकी लाइफ भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बिटुमिनस जो है वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट होता है अगर हीट के साथ तो वो इवॉपरेट हो जाता है, ठीक है। और सीमेंटेशियस में भी जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक क्रैक्स को होल्ड नहीं कर सकता जिसकी वजह से आगे चलकर आपको लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो यही सब हम देखने वाले थे इस वीडियो में वाटर प्रूफिंग के बारे में, वाटर प्रूफिंग के टाइप्स के बारे में, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस। अगर आपको इसके इस सारे कंटेंट के ऊपर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।